यीशु दा उच्च अधिकारी दे पुत्तर नूं चंगा करना। यूहन्ना 4:43-53। दो दिनों बाद यीशु उत्थों विदा होकर गलील नूं चला गया। यीशु ये गल पहले कह चुका सी कि नबी दा उसदे अपने देश विच सत्कार नहीं हुंदा। जदों यीशु गलील पहुंचा तां लोकां ने उसदा स्वागत किया, क्योंकि लोग वह सारिया गल्ला देख चुके सन जो यीशु ने यरूशलम विच त्यौहार के दौरान कीतियां सन। ये लोग भी उस त्यौहार से गए हुए सन। फिर यीशु गलील के काना नगर में गया, जिथे यीशु ने पानी नू दाखरस विच तब्दील किया सी। कफरनू का एक अधिकारी जिसका पुत्र बीमार सी, जब अधिकारी ने सुनिया यीशु यहूदिया के गलील तो आया है, तो वह यीशु को गया और उसने यीशु नू उसके पुत्र नू तंदुरुस्त करन दी बेनती की, क्योंकि उसका पुत्र मरण वाला सी। यीशु ने उसनू आख्या, जब तक तुसी करिश्मे ते अचंबे नहीं वेखोगे विश्वास नहीं करोगे। अधिकारी ने आख्या, श्रीमान जी मेरे पुत्र दे मरण तो पहला मेरे घर चरण पाओ। यीशु ने उत्तर दिता, जा तेरा पुत्र जीवेगा। उस अधिकारी ने विश्वास किया ते घर चला गया। जदों वो घर जा रहा सी तां राह विच उसदे नौकर उसनू मिले अते उन्होंने उसनू आख्या, तेरा पुत्र चंगा हो गया है। उस आदमी ने पूछा, मेरा पुत्र किस वक्त ठीक होना शुरू होया सी? नौकर ने जवाब दिता, एक गल एक बजे के आस पास का समा सी जदों उसका बुखार लथ गया। उस आदमी नू पता सी कि ऐन एक बजे ही वह समा सी जदों यीशु ने उसनू आख्या सी तेरा पुत्र जीवेगा। इउं उसने अते उसके घर विच सब लोगों ने यीशु विच विश्वास किया।